श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय मातृशक्ति। मातृशक्ति प्रसंग आलोचना करिवा निमन्ते भुवनेश्वर अर्चना अपा डॉक्टर अर्चना नायक को मु अनुरोध करूछि। अर्चना अपा तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। पाठचक्र रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त मातृसंतानंकु मोर शारदीय अभिनंदन। आज आम आलोचनार विषय हेउछि मातृशक्ति। आमर भारत बर्षरे मातृ उपासनार परंपरा बहु प्राचीन कालरु अनुसृत होइ आसुछि। प्राग्वैदिक सभ्यता प्रति जदि दृष्टि दबा तबे से सभ्यतार रे स्वीकृत होइछि आमर मोहनजोदार एवं हरप्पा। एई स्थानरु जो आविष्कृत नारी मूर्ति गुडिकरु स्पष्ट आमे अनुमान करि पारिबा जे वेद पूर्ववर्ती समय रे देवी उपासना रे प्रचलन थिला। तन्मध्यरु अधिकांश मूर्ति थिला पृथ्वी देवींकर। तेबे जाहु सिंधु सभ्यतार सभ्यतार जो उपासित देवता हेले पशुपति ओ वैदिक रुद्रदेवंकर समन्वय रे अन्यक परिणत हेला आर्य धर्मधार रे देवी उपासना रा प्रचलन। तेबे आमे आमर वैदिक युग को जदि फेरिबा जे सेठी आमर मातृ उपासना किपरि भाबरे होथला। वेदरे वर्णित पुरुष देवता मानंकर प्राधान्य स्थान तुलना रे उषा रात्रि श्री ओ पृथ्वी प्रभृति देवी माने अपेक्षाकृत नगण्य स्थान लाभ करथले। वेदरे जो देवता मानंकर वर्णना करा जायछि अग्नि रुद्र मरुत इंद्र एमाने बहुत शक्तिशाली देवतांकर वर्णना रहिथिबा बेले आमे सेठी उषा रात्रि श्री प्रभृति आ पृथ्वी जो देवी मानकर उपासना बा तांकर संपर्क जो सूक्त गुडीक लेखा जायछि सेठे अपेक्षाकृत नगण्य बोली कहिले भी चलिबो। तेबे ऋग्वेदर दशम मंडलर 125 संख्यक सूक्त देवी सूक्त नामरे प्रसिद्धि लाभ करथिला। कहा जाए जे अम्भ्रुण ऋषि बाकनामनी ब्रह्मवादिनी कन्या जेतेबेले ब्रह्म तादात्म लाभ कले सेतेबेले से भगवान को ए विश्व भुवन को ब्रह्मंकर प्रतिरूप बोली उपलब्धि करथिले। ओ ता सहित से निजर अंतस्वरूप संपर्क रे मध्य सचेतन हले। सेथिरे से आठ गोटी मंत्र रे ताहा व्यक्त करिसंती। प्रथम होचंती से बाक बोली जो ब्रह्मवादिनी कन्या तांकर सेथरो केवल टिके साधारण भाव रे मु ताकु कहि रखे जे से सेथरे कोन कहिले से कहुचंती मूल भागटितार हला जे मुरुद्र ओ बसुगणक सह विचरण करे आदित्य देवगणक सहित रहे मुहि मित्र वरुण इंद्र अग्नि ओ अश्विनी कुमार दंकु धारण करे। मु राष्ट्रर अधीश्वरी ज्ञान संपन्न यज्ञोपयोगी वस्तु मध्य मु श्रेष्ठ मत देवगण नाना भाव से सन्निवेशित करछंती। मोर सहायता रे समस्त देखंती प्राण धारण करंती ओ अन्न भोजन करंती। प्रभृतिर गोटे दीर्घ वर्णना आम रही हूँ बाकदेवी सूक्त। तेणु आम देखु जे वैदिक ऋषि मान समग्र विश्व रे देवी शक्ति तो सत्ता अच्छे बोली जो उपलब्धि कले परवर्ती काल रे शाक्त धर्म रे देवी सूक्त को ग्रहण करा गला। एई सूक्त टी होची आमर जेते शाक्त धर्म रो जेते प्रकार भाग अच्छे जो सब आलोचना अच्छे क्रम तार एटी मूल उत्स रूपे को ग्रहण करा जायछि। सतपथ ब्राह्मण रे भी अंबिकांकर वर्णना करा जायछि आउ तैतिरीय आरण्यक रे मध्य रुद्रंकु अंबिका पति भावरे वर्णना करा जायछि। ये हला हमर अति प्राचीन शास्त्र। तेबे आमे देखिबा जे केनो उपनिषद रे श्री अरविंद तो अनेक उपनिषद उपरे आलोचना करिछंती एटि केनो उपनिषद रे प्रथम करी आमे एई मातृशक्ति रो प्रवेश को लक्ष्य करू। घटना टी गुटे चमत्कार घटना जे देवता माने असुर माने सदा सर्वदा से माने युद्ध रे प्रवृत्त हेथांती। दानव माने स्वर्ग अधिकार करिवार प्रयास करंती देवता माने तांकु सेतरो निवृत्त करिवार चेष्टा करंती।
ଏହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ପରମ ଉଲ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସେମାନେ କିଛି ବି ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ, କାହା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଏତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଯକ୍ଷ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଅଗ୍ନି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ, ଯକ୍ଷ କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ? ନା ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହଉଛି ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ନିମିଷକ ମାତ୍ରରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଇପାରେ। ଯକ୍ଷ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁଶଗ୍ରାସ ଧରିଛି ଏଇଠି ରଖିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କଲେ। ଅଗ୍ନି ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା, ଗୋଟେ କୁଶଗ୍ରାସକୁ ବି ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଫେରିଗଲେ, ଆସିଲେ ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଲେ କିଏ? ନା ବାୟୁ, ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରୌଢି ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦେଇପାରେ, ଉଡେଇକି ନେଇଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରେ। ସେଠୁ ଯକ୍ଷ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ କୁଶଗ୍ରାସ ଟିକେ ଟିକେ ଉଡେଇକି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବାୟୁ ବିଫଳ ହେଲେ, ବରୁଣ ବିଫଳ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଫଳତା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ କଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆ ପଛେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ନହେଲେ ବାୟୁ, ବରୁଣ, ମରୁତ ଏମାନେ କେମିତି ବିଫଳ ହେଲେ? ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଉ ଯକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମା ଉମା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ଯାହାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ତମେ ଆଜି ଦାନବମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଛ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛ? ଇନ୍ଦ୍ର ବି ସଚେତନ ହେଲେ, ସେ ଦେବରା ସେ ସଚେତନ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଉମାଙ୍କର ଭୂମିକା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଚେତନତା ଭିତରେ ଯିଏ ଜାଗରୁକ, ଚେତନା ଜାଗରୁକ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇ କେନୋପନିଷଦରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମାଙ୍କର ସେଠି ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ ଯୁଗ ପରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିଲୁ। ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଉମା ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଭାବରେ ସ୍ତୁତି ଉପାସନା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଶକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଥମ କାଳେ ଦୁର୍ଗା ବା ଉମା ଜଣେ ଗୌଣ ଦେବୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚେତନାର କ୍ରମୋତ୍ତରଣରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଓ ଚେତନାର କ୍ରମୋତ୍ତରଣରେ ସେ ହେଲେ ସର୍ବବରେଣ୍ୟା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଚେତନା ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା, ବୈଦିକ ଚେତନା ବି ହଉ ପଛେ, ତାହାର କ୍ରମୋତ୍ତରଣ ଘଟିଛି, କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ନିସ୍ତେଜ ଆକାରରେ ରହିଥିଲା, ତାହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଛି ଯେ ଶକ୍ତି କଣ ଏବଂ ସେ ମାତୃଶକ୍ତି କଣ। ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦୁର୍ଗା ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ, ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା, ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭୃତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କ୍ରମ ଉତ୍ତରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିରେ ବା ସମାଜରେ ଆମର ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଉପାସନା, ପଞ୍ଚଦେବୋପାସନା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କିଏ ସବୁ? ନା ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ଗଣପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗା। ଏଇ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା। ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ ଶରତ ଋତୁରେ ଚିନ୍ମୟୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତିଦାୟିନୀ, ଅସୁର ବିନାଶିନୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅବତରି ଆସନ୍ତି ମୃଣ୍ମୟୀ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟକୁ। ମଣିଷର ସର୍ବବିଧ ଦୁର୍ଗତିର ନାଶ କରୁଥିବା ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଉପାସନା କରିଥାଉ। ମହାଯୋଗୀ ଓ ମହାକବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଅନୁପମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟସ୍ଥ ସପ୍ତମ ପର୍ବର ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ। ଉକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ
देवीको बि से दर्शन गर्छन्ति तबे आमे एठे दुर्गांको प्रसंगरे आमर आलोचनाको सीमित रखिबा से किमि कहाको देखुछन्ति ना गुटे सुन्दर वृक्षलतारे परिपूर्ण एक मनोरम कुञ्ज मध्यरे जने तेजस्विनी देवी एक शिला सिंहासन उपरे उपवेशन करछन्ति एक प्रस्तर खंड उपरे से उपवेशन करछन्ति तांकर शरीर रक्त नीला हेबो स्वर्ण समुज्जल कांतरे दीप्तिमान थिला तांकर पाद एक विशाल काय दृप्त सिंहर पृष्ठ देशरे स्थापित थिला तांकर दुई हातरे दुईटी अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र वज्र ओ त्रिशूल शोभा पाउथिला विद्युत आलोकर आभा तांकर मस्तकर चतुर्दिग को ज्योतिर्मय करूथिला से सावित्री को निजर परिचय दे कहिले सावित्री सेठी अटकी गले एही जो शक्तिशाली नै तेजमय ज्योतिर्मय देवी को देखि से जतबेले अटकी गले सेतबेले से तांकर परिचय दउछन्ति से परिचय स्वरूप से कोन कहउछन्ति आई एम दुर्गा Goddess of the proud and strong, and Lakshmi, queen of the fair and fortunate. I wear the face of Kali when I kill. I trample the corpses of the demon hordes. I am charged by the God to do his mighty work. Uncaring, I serve his will who sent me forth, reckless of peril and earthly consequences. Jahar artha hochi je mu hochi Durga. सकल दर्पीय बलवानंकर इष्ट देवी मु लक्ष्मी सौभाग्य एवं श्रीमंतर रानी मु जेतेबेले संघार करे काली रूप धारण करे असुर मानंकर सवराशि को पददलित करे भगवान तांकर महान कर्प जो संपादन करबा दायित्व मते प्रदान करछंती एवं बिना विचार रे कोनोसी जागतिक विपद को ओ तार पार्थिव परिणति को भ्रुक्षेप न करी मु मोर प्रेरकंकर इच्छा को कार्यकारी करिथाय दुर्गा सेठी कहउछन्ति भगवान मते जो निर्देश दिहंते कार्य करबा को मु तार कंसीक्वेंसेस तार फल कोन हबो से बिषय मु चिंता करनी मु संपूर्ण भाव रे एक समर्पित सत्ता नै भाव नै मु तांकर कार्य पूर्ण करिथाय श्री दुर्गांक संपर्क रे श्रीविंद कहउछन्ति जे देवी दुर्गा मनीष लागि हि धरणी पृष्ठ को उल्लाइ आसिछन्ति देव और दानवर नित्य युद्ध स्थली एई पृथ्वी रे से देवता मानंक पक्षरे रही युद्ध करी चली छंती से सबल मानंक बल जगाई देबा संगे दुर्बल मानंक निज रक्षा कवच भीतर आश्रय दियंती सेई परि मनीष मनर अज्ञान गर्व ओ औधत्य को से खर्ब करंती मनीषर चिंता को बृहत्तर सत्य दिगर से परिचालित करंती ओ ताकु सनातन आत्मिक जीवन बंचिबा पई अनुप्रेरित करिथांती दिव्य मार्गगामी मनुष्य प्रति अपदेवता मानकर सहस्र विरोध को से खंडन करी तार मार्ग को सुगम करंती से वीर मानकर युद्ध यात्रा रो पूर्व भाग रे रही थांती ओ दिगहरा तीर्थ यात्री मानको अंधकार पथरे उज्जवल ध्रुवतरा ध्रुव तारा सदृश पथ निर्देश करंती बंधुगण एई जो गोटे कथा कहिले जे मनुष्य प्रति अपदेवता मानकर सहस्र विरोध को से खंडन करंती मूल कथा होची जे मनुष्य विशेष भाव रे साधारण मनुष्य तो जहाँ विपद आपदर सम्मुखीन हुए किंतु साधक मनुष्य सर्वाधिक विपदर सम्मुखीन हुए जो मुहूर्त रे से गोटे आध्यात्मिक जीवन प्रति तार उन्मीलन सृष्टि हुए ता भीतर जेतेबेले से साधना पथर अग्रगामी होबा पई चाहे जेतेबेले पृथ्वी रो बा ए पार्थिव जागतिक जीवन जंजाल भीतर निजको मुक्त करी एक उच्चतर महत्तर जीवन आकांक्षा करे सेतिक बेले बाधाटा विशेष भाव आसे ये अपदेवता चाहे ना कौनसी मनीष तारे साधारण स्तर रु आउ एक उच्चतर स्तर को से गमन करु गति करु किंतु सेतिक बेले मां दुर्गांकर शरणार्थी मनीष ताकु से अपदेवतार कबल रु रक्षा करती तेणु सहस्र विरोध को से खंडन करती मार्ग को सुगम करती तेणु जो मैंने साधनार आग्रह रखती आध्यात्मिक जीवन जापन पर प्रयास करती से मैंने ये मातृशक्ति शरणापन्न हेले ही तांकर मार्ग सुगम होता है तेणु जुग जुग धरी आमर जो उपासित ही आसुवा कल्याणमय देवी सर्वभूत अवस्थान करुचंती आमर चंडी स्तोत्र रे सप्तशती चंडी रे ए सबर वर्णना रही से किमिति आमर कोठी हृदय मनीष भितर से शक्ति रूप अवस्थान कर शांति रूप से बुद्धि रूप से विद्या रूप से श्रद्धा रूप से दया रूप से क्षमा रूप से से अवस्थान करु श्रेष्ठ कथि हूँ जादेवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो आमर मूल कथाटी हूँ
जे से मात्र रूप रे जो अवस्थान करुचंती ताहि आमे गभीर भाव रे भक्त कृतज्ञता सहकारे आमे तांको सेथिपे प्रणिपात करिथाउ कारण दिव्य चेतना संपन्न महात्मा माने ई मातृ शक्ति ओ मातृ चेतना को मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता नदी पर्वत अरण्य कांतर प्रभृति मध्ये अनुभव करि पारिथिले सेमान सबटि तांको अनुभव करिथिले एपरि कि जड़ रे प्रस्थर खंड रे नदी रे सागर रे सर्वत्र से जड़ भितरे जो अनुभव करिथिले आपण माने जानंती जो सप्त नदी मातृकांकर कथा कहैछि गंगा जमुना नर्मदा सिंधु कावेरी गोदावरी सरस्वती प्रभृति देवी मान को मातार सम्मान प्रदान करा जाइछि सेथरे मातृत्वर आरोप करा जाइछि जे से होछि माता सदृश तेणु ए जो जड़ भितरे मध्य मातृशक्ति को समाने दर्शन करिथिले एवं तांकर उपस्थिति को से अनुभव मध्य करिथिले तेणु एठी बंधुगण आमे मातृ रूप रे जो अवस्थान करूचंती मां बा से मातृशक्ति आमे सबुबेले तांक प्रति कृतज्ञ रहिबा तार कारण होउची जे जेतेबेले घन अरण्य भितरे आमे गमना करूथाउ सेतेबेले व्यक्ति मानकर पथ उड़ी जिवार संभावना जेपरि थाए सेमिति हिंस्र वन्य पशु मानक द्वारा आक्रांत होवार आशंका मध्ये थाए सेठु उपस्थित थांती वनलक्ष्मी बा वन दुर्गा सेही मांक भरोसारे स्मरण करथवा व्यक्ति स्मरण करथवा व्यक्ति अरण्य रे कोनसी प्रकार विपदर सम्मुखीन हुए नाही सेही परि पहाड़ पर्वत रे विचरण करथवा व्यक्ति मां पार्वतींकर अभय लाभ करिथे भारतीय माने गंगा नदी को जो मातार मान्यता देइछंती आपण माने समस्त निजर संस्कार वशत जानंती जे आमे जेतबेले गंगा नदी रे बा सागर रे निजर पद प्रवेश करिबा पूर्वरु प्रथमे नई पड़ी आगर से जल को हस्तरे स्पर्श करी मस्तक रे धारण करू मस्तक रे लेपन करू तापर आमे ता भितरे जल प्रवेश करथाउ तार कारण होची आमे तांको सेही मातार मान्यता देइथाउ तेणु प्राणी सकल अन्न संस्थान करथवा देवी होचंती शाकंभरी जे जे शाक बा शस्य उत्पन्न करंती एई सबुज श्यामल धान खेत आमर गहम खेत जहां आमर खाद्य पेय आमे जाहठारु जेउठारु लाभ करचे से देवी होचंती शाकंभरी तेणु रोषशाला जेतेबेले से विराजित हुंते से होचंती अन्नपूर्णा ग्रामे ग्रामे रहिचंती आमर ग्राम देवती आमर समस्त से अभिज्ञता अच्छी आम समस्त गाँव रु आसीचे गाँव में आम ग्राम देवती था आम विश्वास करू जे सब प्रकार आधि भौतिक आधि दैविक विपद रु से ग्रामवासी मानक रक्षा करतीपर प्रति सहर रही जन जन नगर लक्ष्मी से सहर को नगर रे होंगे अधिष्ठात्री देवी से नगर रक्षा कवच रूप से देवी कार्य कर सबु पथ बाट को जगी रही बाट मंगला पथचारी को सुरक्षा देवाई विद्यालय से विद्यादात्री देवी सरस्वती धन संपद प्रदाय भाव से लक्ष्मी दिव्य उपस्थिति मनुष्य को ज्ञान और धन प्रदान करथाय रणभूमि रे से रण रंगिनी दुर्गा माँ दुर्गा शत्रु नाशन पे आम यही देवी को आराधना करी थाउ आमर व्यक्ति जीवन हो समष्टिगत जीवन हो देश क्षेत्र हो मध्य समस्त आपद विपद रु रक्षा करिबा निमन्ते आमे माँ दुर्गा को आराधना करथौ श्री अरविंदंकर भवानी भारती आपणक स्मरण थिबो जो भवानी भारती रे महाकाली को से दर्शन करचंती एवं भारत वर्षर सेई दिव्य शक्ति निकट रे प्रणयपात करी ए देशर सुरक्षा पई श्री अरविंद प्रार्थना करचंती सेई क्षुद्र काव्यटे रे मनुष्य जीवन रे आद्य पाद रे आउ गोटे देवी कथा मुझे कहबि जे आमर भाग्य भवितव्य को जे अदृश्य लिपि रे लिखि दिंते आमे विश्वास करू माँ षठी दुसई जन्म हबार षष्ठ दिन दिन आसिकी से बालकर बालिकार संतान मस्तक तार भाग्य को लिखि दिंते तापरे आमे षठी दुसई कथा भूली जाऊ आमे से संपर्क रे आउ विशेष सचेतन होना कहीं ना कार्य तो सरी किंतु कार्य प्रकृत रे सेठी सरी नथाए कार्य सेठी आरंभ होइथाए गोटे नवजात शिशुर से कोमल रूपटे देखि स्मित हास्यटे देखि आम जो भाव गदगद आनंदित होता माँ षठी दुसई आठीरे दिव्य दृष्टि उन्मोचित हो जाए अनेक कथा से जो बाड़कटी जो संतानटी जन्म ग्रहण करी तार अतीत वर्तमान भविष्य तार कर्माकर्म तार धर्माधर्म एवं सबकि निकट में चित्रपट सदृश आभासित हो जाए कपाल से लिखि दिंती मन को लिखती ना क्यों कर्म आचरण करके से आसी तार कि प्रकार संभावना रही कि प्रकार संभावना तार भविष्य व्यक्त हे ता लिखित हो जाए
সেই দেবী সবুঠারু সুকুমারী দেবী যে আমার জীবনের স্বল্প কাল পাই আসন্তি কিন্তু সবুঠারু এক মহৎ কার্য সে করে দেই যাইথান্তি যো লেখা যো কপালর লিখন কে করিবান বলি আমি কহু সে মা ই হাতের তার লিখি দেইতাই। সেইপরি মানুষের পার্থিব জীবনর অন্তরে যেতবে শেষ হয়ে যায় মধ্যে সেইটি বি শ্মশান শ্মশান কালী আমাকে অপেক্ষা করে থাকে। তেমন মা জন্মর মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের প্রত্যেকটি স্থিতিরে সেই মাতৃরূপী যে ঈশ্বর শক্তি সে আমাকে আবরি রই থাকে। তেমন আমার জীবনর আরম্ভ মধ্যে শেষে মাতৃশক্তি আমাকে অভয়দান করছেন। সর্বভূতরে এর প্রকাশমানতা রয়েছে। এই মাতৃভাব হল এক দিব্য ভাব যাহা দেবী রূপে উপাসনা করা যাইছে। এই পৃথিবীরে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ বা সৃষ্ট প্রাণী উপরে বিশ্ব মাতৃকার দৃষ্টি সর্বদা প্রসারিত হয়ে রয়েছে। সেই মাতৃশক্তি হলে সর্বমঙ্গলময়ী জ্ঞানময়ী ও আনন্দময়ী। তাঁকর ভিতরে সবু সত্য নিজকে বাস্তব রূপে প্রকাশ করছেন। আম প্রকৃতি ভিতরে সে কেতবে সত্য রজ ও তমরূপিণী হয়ে আমার চেতনা আচরণ ভিতরে নিজকে প্রকাশ করছেন। কিন্তু সে যে রূপগুণে রইথান্তু না কাহিকি মাতৃশক্তি হি সূক্ষ্ম রূপ রহি এই চরাচর সৃষ্টি কু পরিচালিত করুছন্তি। তেণু আমার অবিরত প্রয়াস আমার চিন্তারে বিচাররে আমার বাক্রে সবুঠি যেমতি মাঙ্কর উপস্থিতি সম্পর্কের সচেতন তা রক্ষা করিবা। তেবে আমার মা আম মা কো সম্পর্কের কোন কহুছন্তি শ্রীরবিন্দ আমি যাহাকু আমার মা আমার সর্বস্ব বলে মনে করু যে আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমা অদিতি সেই মাঙ্ক সম্পর্কে আমাকে শ্রীঅরবিন্দ কোন কহিলে সে কেমিতে আমাকে বুঝাই দেলে যে এ সংসারে এ জগতরে বর্তমান যে মাতৃ শক্তি মানুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁকর স্বরূপ কো সে আমাকে যোগ সাধনায় আম ব্যক্তি জীবনর সাধনায় বা আমার ব্যক্তি জীবনর সাধারণ জীবনরে মা আমাকে কিভাবে ভাবে সহায়তা করে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বুঝাই দেলে যে ইয়ে কি সে কহিলে ইয়ে হচ্ছেন সেই মা রক্ত মাংসর দেহরে অবতীর্ণ যে বন্ধুগণ যে দেবী শক্তি কথা মু কহিলি যে মাতৃশক্তি কথা এপর্যন্ত আপন মানুষ কহি আসিলি শ্রীঅরবিন্দ কুচি সে মা হচ্ছেন এই রক্ত মাংসর দেহরে অবতীর্ণ এ আউ দূরর তফাতরে ছেড়া হয়ে পূজা করা কিংবা ভয় করা ভাবে জড়মূর্তি দেবতা নুহতি আঙ্কু মা বলে ভাবিবাকু বেশি দূর পর্যন্ত কল্পনা করিবাকু হবনি। এ তুম্ভ মানকর মা হেবাকু তুমরি মানক ভলি মনিষ হয়ে আসছেন। নিজ ঘরর মা পরি আঙ্ক পাখকু স্বচ্ছন্দরে আগে যাই পার আঙ্কু মনিষ পরি বি স্পর্শ করি পার চাহি দেখি পার আঙ্ক সাঙ্গরে কথা হই পার যথার্থরে জগন্মাতা বলি বিশ্বাস করি পার নিজকু এই মাঙ্ক হাতরে একবারে সমর্পি দিও দিব্য চরম জ্ঞান লাভ করিবা পাই আঙ্কর উপরে নির্ভর কর। তেণু সেটি কহুছন্তি রিমেম্বর দি মদার অ্যাজ মচ অ্যাজ পসিবল ইফ পসিবল থিঙ্ক অফ হার অ্যাজ ডিভাইন মদার। তেণু এই রক্ত মাংসর শরীর নেই মানুষ বিগ্রহরে আসিথিবা এই মাঙ্ক প্রতি আমার মনোভাব কিপরি হবা কথা সেটু কুচন যে রিমেম্বর দি মদার অ্যাজ অ্যাজ মচ অ্যাজ পসিবল মাঙ্ক তুমি সদাবেলে স্মরণ কর এবং যদি পারুছ চেষ্টা কর থিঙ্ক অফ হার অ্যাজ ডিভাইন মদার যেতে দূর সম্ভব মাকে স্মরণ কর যদি সম্ভব হুয়ে তাঁকু দিব্য জননী ভাবরে দেখ। এহাকু আহুরি স্পষ্ট করে শ্রীঅরবিন্দ অন্যত্র কহিছন্তি ঊর্ধ্বরু অনুমতি ও নিম্নরু আবাহন এই দুইটির মিলন যে শক্তি ঘটাইব সে হেলা ভাগবতী মাঙ্কর সত্তা ও শক্তি। মাঙ্ক আড়কু যে উন্মুখ সে হি মোর যোগ সাধন করে পথটি মরুভূমি নুহে তুমে একাকি নাহ মা তুম সহিত রহিছন্তি মাঙ্কু ধরিলে হি সবু জিনিস ধরা যায় মা যেপরি তুম আড়কু হি চাহি রইছন্তি তুমার আচরণ হেবা সর্বদা সেই অনুসারে বাস্তবরে সে সর্বদা উপস্থিত রইছন্তি। তুমার মনকু যদি তুমি অনুসরণ করে চাল সে মন কেবে বি মাঙ্কু চিহ্নিবনি। মনকু যদি আমি অনুসরণ করিবা কেতে প্রশ্ন আম মন ভিতরে আসিব সতরে কোন মা এই যে শরীরে অবতীর্ণ হয়েছন্তি সে সেই ডিভাইন মদার এইভাবে নানা সংশয় প্রশ্ন আমার ভিতরে সৃষ্টি হব যেটা কি ভগবত গীতার ভগবান অর্জুনকে বুঝাইবা বলে কহিলে সংশয় আত্মা বিনশ্যতি সংশয় সবু বিনাশর কারণ হুয়ে। মহাযোগী মহারুষি শ্রীঅরবিন্দ আমাকে যেতবে স্পষ্ট ভাবে চিহ্নাই দেলে এই রক্ত মাংস ধারণ করে এই পৃথিবীর অবতীর্ণ হয়ে এই মা হচ্ছেন সেই মা
ताले आम भितर कौन संशय रहा कथा नुहे आमे जहां को माँ बोली भल पाऊ पूजा करू से हेले सकल सृष्टि अधिष्ठात्री भगवती चिन्मयी शक्ति माँ केवल ऊर्धर शासन करती ना से निम्नतर त्रिधा विश्व मध्य ही आचरण करती माँ का चेतना मो चेतना गोटे दुईटी मध्य एक ही भागवत चेतना कारण विश्वलीला प्रयोजन तांकर ज्ञान तांकर शक्ति व्यतीत तांकर चेतना व्यतीत किसी भी संभव नुहे माँ शरीर धारण कर पृथ्वी गोटे कार्य करने उद्देश्य जड़ जगतर परिवर्तन से ही कार्यर अंतर्गत बंधुगण एत गुड़े भूमिका माँ को रही किंतु मुख्य भूमिका हूँ जे जड़ जगतर परिवर्तन से ही कार्यर अंतर्गत आम निश्चय टे ये अटकी जा जड़ जगतर परिवर्तन माँ कौन करी जो आम शरीर रूपांतर पृथ्वी रूपांतर प्रकृति रूपांतर कथा जो कहुची ये हूँ जड़ तेणु ये जड़ रूपांतर करिबार जो सामर्थ्य केवल रही माँ को आम चेष्टा करिबा सचेतन बा बहुत प्रयास करिबा साधना करिबा सब करिबा किंतु आम निजर कौन प्रकार रूपांतर साधन करना बिना माँ को शक्ति एवं सहायतार यह आमर करिबा केबे भी संभव नुहे तेणु संतान मानक माँ को भल पाइबार अंत ना से समस्त त्रुटि से अक्लांत भाव सज्ज कर चलती मानसिक प्रकृति क्षुद्रता और प्रेम को ग्रहण करवा माँ पक्ष गोटे स्वाभाविक माँ जानते आम लिमिटेशन कौन माँ जानते आम सीमाबद्धता कौन आम के एक संकुचित आम सामर्थ्य केल्प से कथा से जानते तेणु जानती बोली ही से आम कर्म को परिचालित करने को आम जीवन को परिचालित करने मानस विग्रह ग्रहण कर पृथ्वी अवतरण कर माँ को संतान मानक मध्य से ही माने ही माँ का सबुठ निकटने जो मैंने आड़ को निजक खोली धरी जो मैंने आंतर सत्तार सन्निकटने इच्छा सहित एकीभूत से मैंने नुहति जो मैंने केवल शरीर बाह्य सानिध्य रही जो मैंने माँ को पाखे थे एवं सुजोग नाई माँ को शरीर से दिव्य स्वरूप को दर्शन करवा से जो मैंने से समय थे से खूब निकटने थे सेवा करजक नियोजित करते सब ठीक किंतु से किसी जायस ना से गोटे समय कथा जो यही समय आम माँ को शरीर धारण कर अवस्था देखा सुजोग पाऊन किंतु माँ को जो पर भाव में देखु से आम यथेष सूर्य आलोक सहाय आम को दे पारती सहाय हूँ सूर्य आमको आलोक प्रदान करती आम जीवन को बहु प्रकार से परिचालित करती सहाय हूँ किंतु ता यथार्थ सूर्य हूँ आलोक यथार्थ सूर्य हूँ तथापि से सब माँ का शक्ति स्थान ग्रहण करें एक मोर कहार उद्देश्य हूँ आम देवदेवी सूर्य चंद्र ए मान बहुत शक्ति आम लाभ करुचुजे किंतु से शक्ति माँ को शक्ति स्थान ग्रहण करें माँ रही सर्वत्र क्रिया सर्वत्र आपणा विश्वज्ञान आश्रय माँ निजक परिपुष्ट करते जहाँ जाणवा दरकार से जानती के अंतरसत्ता मध्यम केत बाह्य मन द्वारा आपणा विश्व सत्तार सकल ज्ञान रही तेरे कार्यपाई जहाँ दरकार से सम्मुख को आनी धरती आमर सौभाग्य जे आम माँ को संतान भाव निजक योग्य कर प्रयास कर चलीछे तेणु एटि कौन हो माँ कहते जे जी जो थाओ पृथ्वी जो कोण से जो स्थान थाओ ना कहीं मोर व्यक्तिगत भाव तार संपर्क सहित जड़ित हो रही व्यक्तिगत भाव तुम्हें मत लाभ कर किसी जायस ना तुम पंडिचेरी आश्रम को आसीच ना कौन सी दूरवर्ती स्थान में अवस्थान कर तेणु आमर दायित्व हूँ माँ का सम्मुखें सबकि खोली धरवा एवं जहाँ आम भितर श्रेय जहाँ आम भितर श्रेष्ठ आम भितर जहाँ संभावना ताही से ताकु प्रकाश करिवारे साहाज्य करिवे एवं ताकु विकास करिवारे मध्य साहाज्य करिवे माँ का शक्तिर क्रियाफल सहायक हम आम आस्पृहा आमर निष्ठा आमर समर्पण आमर जोगरे जो समर्पण कथा कहुची भगवत गीतारे प्रथम ही जोगरे समर्पण को सर्वाधिक प्राधान्य दिया जाए
भगवान कृष्ण अर्जुन को जेतबेले निर्देश देइछंती जो जो प्रकार युद्ध क्षेत्र से निर्देश देला बेले एही प्रसंग टी को प्राधान्य देइछंती जे समर्पण समर्पण ईश्वर पाखे समर्पण ही सब दिग को उन्मोचित करे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्खयिष्यामि मा शुच से जो आश्वासनार बाणी से आश्वासना बाणी आहुरी अनुरणित होची आम क्षेत्र रे जे मा अछंती आमे केवल तांक निकट रे निजको समर्पण करिवा तांकर निर्देश को तांकर आदेश को आम भितर आम अनुभव करने आमर जो प्रकार सामर्थ्य सृष्टि होगा दरकार ताकूवा जदि प्रकृत आम भितर आम आत्मा जाग्रत हो उठते जदि आम चैतसत्ता जागृत हो आम सहित किसी कथोपकथन करते ताहले भी से कहते जे माँ का पाखे आत्मसमर्पण करने को ही कहते यही हूँ आम शेष कथा माँ का शक्ति केवल ऊर्धरे सत्तार शेष शिखर से ना तार हूँ तुम सांगे तुम पाखे तेणु इटि आमर जिते आम भाव ईश्वर कथा भगवान कथा कौ सुदूर वैकुंठे अच्छा कौ स्वर्ग किए अच्छा कौ लोक कौ सप्तलोक कौ सप्त स्वर्ग को अतिक्रम कले भगवान अवस्थित आम एक कथा भाविक भी भय पाई जो मन में सतरे कौन मुझे सहित संजोग हो पारि सतरे कौन मोतर गोटे जोजोग सृष्टि हो पार माँ का शक्ति तेणु ऊर्धरे सत्तार शेष शिखर से ना ता रही आम पाखे आम सांगे आम को कार्य करने को प्रस्तुत करिवारे समस्त सुजोग देवारे मातृशक्ति उपस्थित रही पाखरे पाखरे सदा सर्वदा आम पाखरे से रही माँ को स्मरण कर स्थूल तो दूर रही भी अनुभव करने को चेष्टा कर तुम संगे से रही जहां मुझे कहली माँ कौटी दूर अच्छा कि आमर भाविवा दरकार नहीं आम भाविवा अंत तो मन स्तर में चिंता करने अनुभव करने स्मरण रखा जो माँ मो पाखे पाखे ही अच्छा माँ को क्रिया आड़क आम जिते निजी खोली धरवा आम बाधा विघ्न समाधान से हम माँ के भी मनरे पोषण करती तुम भावी बाधा विघ्न स्खलन पतन विपद आपद मोर कौन स्खलन हो गला कौन पतन हो गला मो भर कौन हो गला ये सब किछु मु किछु अपराध करदेली कि यही प्रकार भावनारु निजको मुक्त करिवा पड़ो जे माँ को निकट को थरे उन्मुख हुए ये सब गुड़िकर समाधान सूत्र तारे भितर सृष्टि हुए माँ से सब को परिष्कार परिच्छन्न ही कर दियंती तेणु आमर समग्र जीवन आम मातृमुखी हबार आवश्यकता केते अधिक ता श्री अरविंद पूर्णांग जोग साधन करुवा साधक मैंने जानती आमर माँ रही अघटन घटन पटीय से शक्ति जे एकाधार महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती एवं अतिमानस शक्ति ज्योतिय चेतनार मूल उत्स से अधिमानस अतिमानस सिद्धिर अधिकारिणी पूर्ण ऐश्वर्यमयी अटंती ता सहित से आम माधुर्यमयी माँ सतक सत से आम माँ मातृ रचनावल गोटे स्थान माँ कही इट इज नॉट एज ए गुरु That I love and bless. It is as the mother who asks nothing in return for what she gives. अर्थात निज को जो गुरु भाव में कहा को भल पाए ना आशीर्वाद दिए ना माँ भली ही एपरी करी थाए एही माँ जहा किछि दिए ताहर प्रतिबदल आदो किछि हेले मागे ना केवल माँ हिसाब से आम को आदर नहींछंती पारंपरिक शिष्योत्तर खोल गुड़िक भितर बाहरी आम माँ संतान भाव जो आध्यात्मिक अभय लाभ कर बहु जन्मर सुकृतर फल जनक पाखे जब शिष्य रही गुरु निर्देश में किसी भी अवमानना होना किसी भी त्रुटि विच्युति हम ना से संपर्क कारण आमर जो सब वैदिक परंपरू आरंभ कर आम ऋषि परंपर से गुरुकूल परंपर से गुरु शिष्यर संपर्क आम देखीचु जे टिके भी एपाक सेपाक हबार ना गुरु कारण से गुरु तांकर निर्देश को शिष्य रूप से पालन करने को गला बेले कौन सी प्रकार त्रुटि विच्युति न होबा पाए आमर जथेष्ट उदाहरण सब आम पुराण रे शास्त्र रे आम पौराणिक आध्यात्मिक इतिहास रे वर्णना रही किंतु एठी आमे माने भाग्यवान जे युग रे जन्म होइचे जे आम को माँ कहछन जे मु तुमको गुरु भाव रे काको भल पाए ना बा आशीर्वाद दिए ना मु माँ भली ही आई करिथाए एही माँ जहा किछि दिए तहार प्रतिबदल आदो किछि हेले चाहे नहीं माँ से ना कथा कहले किंतु आमे माँ को उपयुक्त संतान हवा पे आम तरफ
जो प्रयास रहा कथा से तो हेला कले हम ना ना तेणु पारंपरिक शिष्य तो आमर ना आम संतान ये पार्थक्य गुरु परंपरारे शिष्यर भूमिका रही शिष्यर जो गुरुत्व रही वैशिष्ट रही आम परंपरारे आम जो आध्यात्मिक धारा अनुसरण करुचे से आम शिष्य नुहे आम हूँ संतान तेणु संतान भाव आम सुजोग एत अधिक जे बहुजन्म सुकृतर फल बोली आम स्वीकार करवा भारत वर्षरे वास्तव गुरुवादर परंपरा रे देखि आछु गुरुटिए तांकर अनुगामी मानको संसार तुच्छता संपर्क सचेतन करछन्ती पार्थिव जीवन दीनता संपर्क सचेतन करछन्ती मनुष्यर जो असहायपणता विषय खूब विव्रत करछन्ती पृथ्वी को परित्याग करने को मार्गदर्शन कराइछन्ती जार भूय से दृष्टांत आम पाखे अछि किंतु माँ जिते भगवान जिते माँ ही पृथ्वी को आसिले माँ शरीर चेतन एक मधुर प्रभाव समस्त पड़ा माँ मधुर दृष्टि एक दिव्य सम्मोहिनी शक्ति माँ फोटो को बर्तमान आम साक्षात कर तो सुजोग ना कि माँ जेकोसी फोटो को अभिनिविष्ट चित्र जदि आप चाहिए तेल देखिए से दिव्य सम्मोहिनी शक्ति किभली आपण कार्य क्रियाशील हो जो शक्तिर प्रभाव हृदय प्राण मन शरीर में दिव्य स्पंदन सृष्टि करे और दृष्टि झरी पड़ा माधुर्य कणा संजीवनी पर कार्य करे माने गोटे मृत शरीर भितर गोटे संजीवनी पर से काम करे मनुष्य दुख विषाद बेदना क्लिष्ट हृदय एक आस्था आश्वासना और प्रत्यय सृष्टि जाए जे माँ अच्छा मौली जाऊ गई सतेज हो जाए माँ नाम स्मरण करके तेणु बंधुगण माँ का संपर्क करे आमे जेते जेते सचेतन हवा जेते जेते से शक्ति को आम आवाहन करुवा जेते जेते तांका संपर्क करे आमे स्मरण मनन निज भितर करी चली सेते सेते आमे मातृशक्ति संपर्क करे आहुरी अधिक अधिक आम भितर सचेतनता तांकर उपस्थिति संपर्क करे सचेतनता आसे तबे ए जो माँ पुस्तक टी आपण माने प्रत्येक पाठ चक्र रे किछ ना किछ ता भितर अध्ययन करुछंती से विषय आलोचना करुछंती तेणु जो माने दि मदर भली जो क्षुद्र ग्रंथ टी पाठ करिवार सुजोग पाइछंती से माने निश्चय जानंती जे सेथिरे श्री अरविंद माँकर विभिन्न शक्ति विषय जो गुड़िक आलोचना करिछंती केते प्राधान्य दैछंती से जो माँ को देखुचे से माँ भितर को शक्ति क्रियाशील अच्छा से संपर्क से जहाँ वर्णना करछंती सेथिरे ताको मु केवल संक्षेप रे आपण मानको सूचाई दौचे किंतु कहीं ना आपण माने समस्ते से विषय सचेतन तेणु पूर्णांग जोग रे श्री अरविंद प्रवर्तित पूर्णांग जुगरे अदिति होंगे इष्ट देवी से मध्य जुगर कर्तृ गुरु यथार्थरे कहिबा कहले परम पुरुषंकर क्रम प्रकाश क्रम विकास लीला को से आद्या परमा प्रकृति परिचालना करुछंती श्री अरविंद भाषा से आद्या अदितिया परशक्ति रूपे माँ सकल सृष्टि उपरे तांकर सनातन चेतना मध्य पुरुषोत्तम को धारण कर रही चंती पुरुषोत्तम शाश्वत सच्चिदानंद रूपे नित्य प्रकट होती सारा विश्व ब्रह्मांड है पुरुषोत्तम सहित शाश्वत लीला शाश्वत जिते रहस्य असीम जिते अलौकिक कार्यावली से सबको से प्रकाश कर चली सकल दृश्यमान वस्तु है प्रकाश जहा कि दृश्यमान आमको हूँ सबूत प्रकाश माँ विश्वासित विश्वातीत चेतना मध्य परमेश्वर ठारू जहा कि उत्तारी आणती विश्वेश्वरी महाशक्ति रूपे अभिव्यक्त करती से जगत को गढ़ी से अनुप्रविष्ट हमारे उपस्थिति सकल जगत को दिव्य सत्ता विश्व परिपोषक दिव्य शक्ति आनंद पूर्ण कर धारण करती तेणु श्री अरविंद ये चारोटी शक्तिर कथा से कही से महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मातृशक्ति चारोटी मुख्य विभाव व्यतीत आहुरी अगणित विभाव अच्छी किंतु से सबू आलोचना आहुरी व्यापक हम तेणु आम संक्षेप केवल श्री अरविंद मातृशक्ति स्वरूप वर्णना करने को जाए जो चारोटी शक्तिर कथा कही आमको से विषय संपूर्ण भाव सचेतन रहा पड़ब आम माँ बोले कौच कारण से गोटे कथार से विश्वगत आमर माँ से विश्वतीता विश्वर अतीत से विश्वगत समग्र विश्व व्यापक सत्ता एवं विश्व को अतिक्रम कर विश्व तीता शक्ति तेणु तीनो विषय आम अंत जाणी रखा उचित हम कारण आम सहज खाली साधारण भाव माँ को
ग्रहण करिछु ठीक अछि मां खाली कहि देले नै मां के सहित एहि शक्ति मानकर उपस्थिति किभली भाबरे क्रियाशील होइ छै पृथ्वी उपरे से विषय हमको सचेतन मध्य रहबाक पड़ो तांकर प्रथम विग्रह टे होछ माहेश्वरी एक प्रशांत विशालता सर्वव्यापक ज्ञान स्थिर मांगल्य अफुरंत करुणा अतुलनीय महिमा एवं सर्वोच्च शासनकर्तिंकर महत्व ए माहेश्वरीक ठारे प्रकाशित हुए आंभ मानक जे अतिमानस अनंत विश्वव्यापी विशालता डक से परिचालित करिथांती आमर अंतरात्मा को आमर प्रकृति को भागवत सत्तरे निर्माण करिवा होची तांकर व्रत और प्रयास माहेश्वरीकर पृथ्वीर मानव जातिर क्रम विकास जो धारा चली पृथ्वीर एवं मानव जातिर जो क्रम विवर्तन धारा चली तार सूत्रधारिणी माँ माहेश्वरी हूँ तार सूत्रधारिणी परमेश्वर उद्देश्य को रूपायित करिवा समस्त योजना देवी माहेश्वरी करी थांती मातृशक्तिर ए जो परमा शक्ति प्रथम शक्ति से हेले सी माहेश्वरी जो क्रम विवर्तन क्रम विकास कथा कहुच मनुष्य जीव जगतर तार चेतनार से होंगे तार कर्त्री से होंगे तार परिचालिका द्वितीय आसचे महाकाली विशेषत्व हूँ जे विस्तृत नुहे उच्चता उत्तुंगता ज्ञान नुहे बल वीर्ज ज्ञान सहित बल वीर्जर बंधुगण आवश्यकता रही निर्बल निर्वीर्ज मनीष किसी भी साधना करे ना तेणु दुर्बार तीव्रतापूर्ण सिद्धि आड़क शक्तिर विपुल आवेग है अन्यतम विशेषत्व ए दिव्य प्रचंडता सकल बाधा विघ्न आसुरी शक्ति को पादर दलन कर पकाए ये झंझापरी रुद्रकर्मी क्षिप्र शक्तिशाली आसु फलदायी श्री अरविंद भाषा कौन कहते महाकाली जे असुर प्रति भयंकर मुखमंडल भगवत विद्वेषी प्रति निर्मम निदारुण तांकर चित्त कारण से विश्वर रणरंगिनी अपराभूता जद्री सामान्य दोष त्रुटि को विषय सह्य करती ना मनुष्य प्रकृत में जो सब मिथ्या अज्ञान काम क्रोध आदि लुचि रही था और निजक संशोधित करने को अबाध्य अनुच्छेक हूँ महाकाली कोप दृष्टि समान को प्रहार सब पड़े तमें आम निकट रू के भी लुकायित कर रखी पारे मुतित के परिवर्तन विमुख मनीषर चेतना रही किसी भी परिवर्तित होबाक चाहे जहाँ अच्छी अच्छी ताठारु मुझे भी होबाक चाहे गोटे निश्चल प्रस्तर खंड पर अनेक मनीषर चेतना से निश्चल पथर खंड पर पड़ी था कि साधना मार्ग जी आसे समस्त प्रति महाकाली यही प्रकार दृष्टि जीव ना किंतु साधना मार्ग रे निज को प्रवर्ताई से दिगरे अग्रसर होता व्यक्ति जदि यही स्थबिरता यही निश्चलता यही जड़ता को आश्रय कर रहे तबे से महाकाली कोपदृष्टि बर्ती पारिबो नाही तेणु भगवत कर्मरे शिथिलता उदासीनता आलस्य को से सह्य करती प्रेरणा क्षिप्र सरल अकपट तांकर गतिधारा अकुंठ एवं तांकर अभीप्सार अग्निशिखा पर से सर्वदा प्रज्वलंत ऊर्ध्वगामी तेणु महाकाली वर्णना करिवार साधारण भाव कहि ज्ञान से भरी दिंती विजयिनी शक्ति सौंदर्य सुषमारे से आनी दिंती गोटे गोटे समुच्च ऊर्धायित गति परमतप आनंद उच्चतम उच्चता महतम लक्ष्य बृहत्तम दृष्टि ये केवल आयत्त तो हुए महाकाली शक्ति को लाभ कले अन्य प्रकार हुए ना आउ जणे आम सुकुमारी देवी होंगे महालक्ष्मी देवी मातृशक्तिर अन्य एक सुंदर सुकोमल विभावटी होंगे महालक्ष्मी तेणु से किपरी महालक्ष्मी शक्ति ही हूँ चित्त विमोहनकारी दिव्य प्रेम समस्त हृदय जागरित होता है से बाह्य परिवेश सौंदर्य सुषमा संगति नुह केवल अंतरात्मार सुसंगति सौंदर्य चिंता विचार भावावेगर सुसंगति और सौंदर्य जीवनचर्यार सुसंगति और सौंदर्य यह सब आसे महालक्ष्मी प्रसाद जीवन रे गोटे संगति आसब सुसंगति आसब सौंदर्य बोध आसब कोमलता आसब गोटे महिमा प्रति तार उन्मुखता आसब से आसे महालक्ष्मी आशीर्वाद श्री अरविंद कहते जो मनुष्य हृदय पूरी रही था स्वार्थपरता ईर्षा द्वेष हिंसा असुवा और द्वंद्व से हृदय को महालक्ष्मी आसती ना से व्यक्ति केवेले महालक्ष्मी कृपा लाभ करे ना जदि देवता उदिष्ट आधार में मिशी थाए विश्वासघातकता बुभुक्षा कृतज्ञता जदि भक्ति को प्राणावेगर स्थूलता कामनार रूढ़ता अशुद्ध कर दिए तेज एपरी हृदय सौम्या श्रीदेवी रहंती ना सबुठ भय लगे जमी टिके गोटे काच पत्र हाथ टे बाजिगले काचटा जदि पड़ जाए कि झंझण हो भांगिगला मोर बेले बेले मन हुए जे महालक्ष्मी एत सुकुमार एत संगति एत सौंदर्य एत श्री
जे सेठी सामान्य टिके आम भितर कलुषता आम भितर कौन सी प्रकार अदिव्य चिंता बा आम भितर कौन सी बुभुक्षा बा कौन सी गोटे कृतज्ञता ये सब जदि रहे ताले माँ को कल्याण आम केवेहले भी पाइबा ना आउ सिना कि दया करिवे किंतु महालक्ष्मी केवे भी आम प्रति प्रसन्न हेबे ना सी आमर सब कर्म गोटे छंद भरी दिंती सकल प्रेम भरी दिंती एक उत्सर्गमय सेवा परायणता एवं सकल ज्ञान आनी दिंती एक समन्वय भाव समन्वय एवं संगति यही दुईटी आम जीवन में सबुठ बड़ अभाव हुए आमर व्यक्तिगत जीवन में आम समष्टि जीवन में आम समाज जीवन में सबुठ बड़ असुविधा हूँ आम समन्वय रक्षा करना आम संगति रक्षा करना आमर जो कहुई कायन मनसा वाचा कायरे मनरे बाक्रे आमर जो संगति रहा कथा सम्यता रहा कथा ता जदि न रहे ताहले ताहा केबे भी संभव हेबो नाही। महासरस्वती होती से देवी जी हेले सर्वकनिष्ठा किंतु आंकर परमाद्या जननी होती कर्मशक्ति पूर्णता श्रृंखलार देवी विग्रह चारि महाशक्ति मध्य से हेले कनिष्ठा किंतु भगवत कार्य संपादन से होती परम निपुणा सरस्वती दृष्टि कौनसी भूल त्रुटि एड़े जीवा के संभव नुहे आंकर क्षुद्र बोली किछ आंकर दृष्टि नुहे नगण्य बोली किछ नाही जीवन को परिपूर्णता देवाई क्षुद्र बृहत सबकि सामान जत्न सहित सजाड़ चलती आम भितर इत भावी पार्टी ना आम जिते देवी सूक्त जहाँ चंडी सूक्त जहाँ आम सब पढ़ी देवी से गोटे महामहिम रूप संपर्क जी सचेतनता थी श्रीरबिंद दि मदर पुस्तक ये महाश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती संपर्क आम पढ़ला मातृशक्ति सब दिग सोपर ये समुन्नत महत्तर ये उच्चतर यही ताको किभली भाव वर्णना कर दिग संपर्क आम सचेतनता प्रथम कर आसला तेणु सी आम दृष्टिपथे खोली दिंती यथाथ दिव्य दृश्य कर्ण से शुणाई दिंती बांछित तो जिते सब दिव्य स्वर दिव्य ध्वनि बंधुगण केत सौभाग्य क्रम जदि कौन से दिव्य स्वर दिव्य ध्वनि दिव्य दृश्य आम आखिरे दृश्यायित हुए कर्ण से आम श्रवण कर सुजोग पाऊ तेज ताकि महासरस्वती आम प्रति करुणा तेणु आम तक निकट सदा सर्वदा कृतज्ञ रहा जे सी होंगे आमर अभाव माता विपदर बंधु परामर्श देवारे धीर अनलस सचिव प्रथ प्रदर्शक रूपे से प्रज्वल हास्य आम भितर विषाद अवसाद सबको से मेघ को पवन उड़ेदेला से उड़े दिखती अंगु निर्देश आमर सबकि जीवन परिचालित तो हुए तेणु सबु शक्ति मानक जो जावतियों कार्य परिपूर्ण हो सरस्वती को अवलंबन कर बंधुगण महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आंकु जदि आम प्रकृत बुझा चेष्टा करवा अनुभव करने को चेष्टा करवा टे उपलब्धि करने को चेष्टा करवा तेज आम देखा आम जीवन रत्येक पर्यायर यह कौन सी पर्याय ना यही कौन सी स्थान ना कौन सी अवस्था ना जो थे मातृशक्ति क्रियाशील नुहे तेणु यही जो देवी कथा कहले भी आम अतिमानस देवी मान कथा कहुई कि समय निर्धारित तो समय भितर सारे मुझ संक्षेप केवल एगुड़ी कह चेष्टा कली मुझे केत दूर माँ का संपर्क कह मो पक्षर संभव है मु समर्थ हैली कि मु प्रयास कर साधारण भाव में आम बुझा केवल जन को कह द्वारा आम सब कथ बुझा ता नुहे आमको निजक अध्ययन करने को पड़ो निजक जाणी को पड़ो निजक बुझाक पड़ो यह एक आयस साध्य कार्य कौन सी साधना एत सहजरे के हुए ना कौन सी सिद्धि सहजरे प्राप्त हुए ना तेणु मनुष एक स्मरण रखर भाग्य जे माँ आम पाखे रही आमको सब कार्य सहायता करमक परिचालित करमक समस्त दिव्य कार्य से नियोजित करकर शक्ति करुणा बल आम जी बर्तमान आज करे साधना से आम समर्थ हो पारे ता सत्वे आम केवेहले भी कहवा ना कि भाविबा ना जेहेतु आम यही सुजोग पाच आम कि करवा आमर प्रत्येक मुहूर्त जहाँ कही श्रीरबिंद प्रत्येक मुहूर्त चिंता कर जे माँ उपस्थिति तुम पाखे रही एवं से तुमको चाहती कौन करुच कौन एपरी कौन चिंता करुच कौन भावुच साधारण कार्य कौन करुच ता दृष्टिपथ को एड़े जाऊना से सचेतनता आम भितर रहू आम माँ निकटे सर्वांतकरण से निजक समर्पित करने निर्देश आम भितर निर्देश परिचालित होबा यह आम प्रार्थना हो।
तेबे मांग को उद्देश्य रे श्री अरविंदंक प्रदत्त मातृमंत्र उच्चारण पूर्वक आजर आलोचना मु एठारे समाप्त करूछि। ओम आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय परमे। वर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज पाठ चक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा